हेलो फ्रेंड्स, मैं मीना तोमर स्वागत करती हूँ आपका अपने किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ककोड़े की सब्जी की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, ये मैंने 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 3 टेबलस्पून इसमें सरसों का तेल ऐड कर दिया है। अब इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, जब तक कि इसमें धुआं ना आ जाए, ताकि इस तेल का कच्चापन बिल्कुल निकल जाए। तो फ्रेंड्स, तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच छोटा जीरा। 1 छोटा चम्मच जीरा मैंने इसमें डाल दिया है और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अदरक और लहसुन। तो यहाँ पर अदरक मैंने ले लिया है 1/2 चम्मच, गैस को कम कर दिया मैंने, अदरक इसमें 1/2 चम्मच लिया है मैंने, अदरक का पेस्ट लिया है मैंने इसमें, और जो लहसुन है उसको मैंने कद्दूकस करके लिया है, तकरीबन 7 से 8 कलियां लहसुन की छील कर कद्दूकस कर ली है। और इसमें जाएगी हींग 1/4 चम्मच, छोटा चम्मच। और अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटा है इनको, बहुत पतला नहीं करा है, थोड़ा रफली चॉप करा है मैंने इन्हें। इसे तकरीबन हम 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब मैंने गैस को तेज़ कर दिया है, तो तेज़ आंच पर 2 मिनट इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गए हैं, ये देखिए प्याज हमारी भुन गई है। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कटी हुई मिर्च, हरी मिर्च, और 2 टमाटर मैंने रफली चॉप करके रखे हैं। इसको मिक्स करने के बाद हम गैस को कम कर देंगे और यहाँ पर मिलाएंगे सूखे मसाले। आधा छोटा चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक हमें चाहिए स्वाद अनुसार, और कलर के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 छोटा चम्मच। ये स्पाइसी नहीं है लेकिन कलर बहुत अच्छा आएगा इससे। अब अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ध्यान रखिएगा, जब मैंने मसाले डाले हैं तो गैस को बिल्कुल कम कर दिया है, उससे मसाले जलेंगे नहीं, और ये हमें बस 2 मिनट इसे ढककर पकाना है, ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी हमारे भुन जाए। तो लो फ्लेम पर ढककर 2 मिनट पकाएंगे इसे। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, ये देखिए मसाले को इस तरह से मैश कर लेंगे। देख सकते हैं आप कि टमाटर एकदम अच्छे से मैश हो रहा है, ये देखिए सॉफ्ट हो गया टमाटर बिल्कुल। और अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ ककोड़ा, ये मैंने 1/2 किलो ककोड़ा लिया है, उसको अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा दानेदार टाइप का जो इसका छिलका होता है, इसकी वजह से इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, ताकि इसमें मिट्टी ना रह जाए बिल्कुल भी। इसके छोटे छोटे पतले पतले पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। तो ये 1/2 किलो है और ये बहुत ही टेस्टी तो होता ही है, साथ में इससे बीपी भी कम करता है ये, और कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायता करता है, काफ़ी अच्छा है इसका टेस्ट भी और फ़ायदा भी। तो ये दोनों चीज़ों में काम आता है, कम करने में बीपी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब हमने गैस को कर दिया है तेज़, ठीक है, अब हाई फ्लेम पर इसे 1 मिनट इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, जब भी आप बनाते हैं तो उसको अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है, कहीं कहीं मिट्टी वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कई बार मिट्टी वगैरह लगी रहती है
अच्छी तरह से आप रगड़ रगड़ कर इसको वॉश कर लें पानी से दो तीन बार, उसके बाद इसे कट करें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। इसको चलाकर अब हम इसको तेज आंच पर पकाएंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट, जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता ढककर पका लेंगे, और उसके बाद गैस को कम करके तकरीबन 10 से 12 मिनट पकाएंगे इसे। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे पकने में। तो ढककर तकरीबन 2 मिनट, जब तक ये बॉईल नहीं आ जाता। तो फ्रेंड्स ये देखिए सब्जी में बॉईल आ गया है। अब मैंने गैस को कम कर दिया और इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट हम पका लेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सब्जी हमारी बनकर तैयार हो जाए। इसे लो फ्लेम पर पकाना है तकरीबन 12 मिनट। तो फ्रेंड्स ये देखिए तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं और सब्जी हमारी आप देख सकते हैं बिल्कुल बनकर हो गई है तैयार। पानी भी इसका देखिए सूख चुका है, थोड़ा सा रह गया बस। लिपटेमा सी सब्जी जो बनती है उसी तरीके से, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए बहुत ही इजीली ये पीसेज हो रहे हैं इसके, आराम से कट रही है सब्जी, बिल्कुल तैयार हो गई है। अब आप इस स्टेज पे चाहें तो गरम मसाला ऐड कर लीजिए, मैं इसमें गरम मसाला नहीं मिला रही हूँ, और मैं इसमें हरा धनिया पत्ती ज़रूर डालूँगी। आपको पसंद है तो ज़रूर डालिएगा, हम लोग तो ज़रूर खाते हैं धनिया पत्ती तो अच्छी लगती है बहुत। तो अब ये देखिए सब्जी तैयार है, गैस को कर दूंगी बंद और इसे निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट में। तो फ्रेंड्स ककोड़े की सब्जी बनकर तैयार हो गई है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।